and welcome back to the next video of Little Scholars, where future lies in your own abilities. Friends, आज हम बना रहे हैं हमारा वीडियो नंबर अरे यार भूल गया कौन सा है ओ हेलो ओके वीडियो नंबर 46 ओहो तो आज हम 46 वीडियो बना रहे हैं और कुछ एक्टिविटीज के साथ हैं ठीक है देखिए क्या एक्टिविटीज हैं हम लोगों ने कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके थे व्हाट कि हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शंस पढ़ लिए थे और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू CNS दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये पढ़ लिया था और अब हम लोगों को स्टार्ट करना था व्हाट ब्रेन ठीक है तो हम लोग यहां पर ब्रेन पढ़ने वाले हैं ब्रेन क्या है जब भी हम कुछ भूलते हैं ना हम ऐसे दिमाग से गुजरते हैं जैसे यहां बहुत मतलब ऐसे रब करने से सब याद ही आ रहा है लाइक अभी जैसे मैंने किया कि मैं भूल गया क्या था तो मतलब क्या कर रहा है ब्रेन याद रखता है ओहो कभी कभी हम कुछ भूल जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं यार दिमाग ही काम नहीं कर रहा वाई सो बिकॉज सारी चीजें कौन कर रहा है सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है दिमाग कर रहा है ठीक है समटाइम्स टीचर्स यूज टू से कि कोई सा क्वेश्चन करा लो इस बच्चे को कभी नहीं आता तेरे में दिमाग है या भूसा भरा है दिमाग ही खाली है यूज टू से लाइक दिस मतलब क्या कि जो कुछ है वो सब किसके अंदर है यहां इसमें सेट है सारी चीजें ठीक है और यही सारी चीजें करने का काम करता है भूल जाओ तो दिमाग रिस्पॉन्सिबल कुछ याद ज्यादा रह जाए तो दिमाग रिस्पॉन्सिबल अच्छा ज्यादा चला लो तो भी दिक्कत है तो भी उस टीचर को प्रॉब्लम होगी कि यार ज्यादा भी चलाता है बहुत ज्यादा दिमाग तो यानी की सारी गलती किसकी है दिमाग की ठीक है सारा काम कौन कर रहा है दिमाग ओ किसने कोऑर्डिनेट किया कि हम लोगों को एक्शन करना है ब्रेन ने तो जैसे ही मैंने इसको उछाला वापस से कोऑर्डिनेशन करने के लिए कौन आया ब्रेन आया तो यानी कि बॉडी के मूवमेंट्स ब्रेन कंट्रोल कर रहा है बॉडी कुछ एक्शन परफॉर्म कर रही है वो भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा है तो देखो हमारा जो ब्रेन है वो कितने सारे एक्शंस को कितनी सारी चीजों को फ्रेंड्स एक साथ परफॉर्म करता है अगर दिमाग नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है और अगर दिमाग है तो भी कुछ नहीं है तो यानी कि होना ना होना दोनों बराबर की चीजें हैं चलिए लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेन टुडे यहां पर हमारे पास एक डायग्राम है मैंने बनाने की कोशिश करी है ठीक है ना अपने आप बनाया है ठीक है तो माइट बी पॉसिबल कि अच्छा बना होगा नहीं भी बना होगा तो चलो पढ़ना तो इसी से है हम लोगों को कि ब्रेन क्या होता है ठीक है इतना कॉम्प्लिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ ब्रेन का हो सकता है क्योंकि लाइफ टाइम अप टू द एज ऑफ 50, 60, 70, 80 कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 100 साल जीते हैं ठीक है वैसे मेरी इच्छा बहुत है 200 साल जीने की तो 100 साल तक हमें इसका यूज करना है तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता होगा है ना अभी कुछ 25-26 साल में इतना कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है ब्रेन का आप लोगों का 17-18 साल में है तो सोचो अ पर्सन एट द एज ऑफ 70 ईयर्स सिर्फ यहां लाइनें दिखती है पूरे ब्रेन में और जिसने यूज ही नहीं किया उसका दिस इज कंप्लीट ब्लैक दिस इज हाउ द ब्रेन शोज कि कितना मैच्योर है और कितना इमेच्योर है तो हम लोगों ने हाफ मैच्योर पर्सन का ब्रेन बनाया है राइट चलिए हम इस ब्रेन को पढ़ते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो ब्रेन है इट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग चैम्बर फॉर ऑल द एक्टिविटीज सारी की सारी एक्टिविटीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कोऑर्डिनेटिंग चैम्बर है जो ब्लॉक है दैट इज नोन एज ब्रेन द रीजन इज कि ये ब्रेन जो है वो नीचे आके यहां पे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है और स्पाइनल कॉर्ड ही हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करा रही है तो यानी कि सोच कर स्पाइनल कॉर्ड को देना और वो स्पाइनल कॉर्ड एक्शन परफॉर्म करें उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है सो इट इज द हाइएस्ट कोऑर्डिनेटिंग चैम्बर इन द ह्यूमन बॉडी एज वेल एज इन द एनिमल्स ऑल्सो ठीक है राइट अब आता है ब्रेन का स्ट्रक्चर तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेन एक्चुअली क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सॉफ्ट है इसीलिए इसको
प्रोटेक्ट करके रखा है। अगर हम हमारे सिर पे हाथ लगाएं यहां तो हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, मेरे तो दिख रहा है ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि अंदर ब्रेन है या कुछ है, बस एक बहुत सॉलिड सा स्ट्रक्चर है ठीक है। दिस सॉलिड स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट द ब्रेन इज नोन एज क्रेनियम ठीक है। दिस इज अ बोनी बॉक्स, व्हाट वी कॉल्ड इट एज बोनी बॉक्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसका बना हुआ होता है, पर्टिकुलरली बोन का बना हुआ होता है, और इसका एक ही फंक्शन है कि इसको क्या करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। तो दिस इज व्हाट बोनी बॉक्स विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स, एक्सटर्नल प्रेशर्स एंड एनीथिंग ठीक है। उसके बाद इस ब्रेन के अंदर दिस इज थ्री लेयर स्ट्रक्चर, देखिए जब ब्रेन चालू हो रहा है उससे पहले ये एक और लेयर यहां पर क्या है, बनी हुई है। इस लेयर का मेन काम क्या है अब वो देखते हैं। इस लेयर को बोलते हैं हम लोग मेनिंग्स, क्या बोला जाता है इसको, मेनिंग्स। ये एक मेम्ब्रेन होती है जो कि थ्री लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है, और इन तीनों के तीनों लेयर के अंदर एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है विच इज नोन एज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड कहलाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका क्या काम है, इसका मेन काम एक ही है कि बॉडी के ऊपर या ब्रेन के ऊपर, राइट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जितने भी शॉक्स लग रहे हैं उन सारे शॉक्स को, मैकेनिकल शॉक्स को ब्रेन को क्या करके रखने का काम है, इसका प्रोटेक्ट करने का काम है। तो ये ब्रेन के चारों तरफ इन लेयर्स के अंदर क्या भरा हुआ है, दिस इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ठीक है, राइट। किसके अंदर होता है, इन अ थ्री लेयर्स ऑफ मेनिंग्स ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब ये जो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन है दिस इज कनेक्टेड टू व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां से पूरे ब्रेन का कंट्रोल यहां पर आके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो रहा है, देखिए ओवर हियर यहां पर ये कंट्रोल हो रहा है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। तो यहां पर ब्रेन की एक्टिविटीज और उसके रिस्पॉन्सेस स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो रहे हैं और ये रिस्पॉन्सेस को क्या कर रही है, जनरेट कर रही है ठीक है, राइट। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रेन का एलोंगेशन इज व्हाट नोन एज स्पाइनल कॉर्ड, द एलोंगेशन ऑफ अ ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है इसको टोटल हमने तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है और उन तीन पार्ट्स का फर्दर डिवीजन है ठीक है। सबसे पहले जो सबसे आगे होता है जिसको फ्रंट लोब बोलते हैं ठीक है, वो फ्रंट लोब क्या होता है, विच इज दैट इज नोन एज फोर ब्रेन, और उस फोर ब्रेन का सब पार्ट है सेरेब्रम। तो यानी कि दिस कंप्लीट पार्ट इज नोन एज फोर ब्रेन। तो ये जो पोर्शन है ठीक है, दिस कलर्ड सेगमेंट, ये पूरा जो कलर्ड सेगमेंट है दिस इज नोन एज फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन कहलाता है ये पूरा का पूरा फोर ब्रेन है, और इसका एक फर्दर पार्ट है विच इज नोन एज सेरेब्रम। अब इसके बाद आता है मिडिल पार्ट ठीक है। देखो फ्रंट पार्ट फोर ब्रेन, मिडिल पार्ट मिड ब्रेन, और लोअर पार्ट दैट इज नोन एज लोअर ब्रेन और हिंड ब्रेन हम बोल सकते हैं ठीक है। सेकेंड वन इज मिड ब्रेन, तो यहां पर आपके पास प्रेजेंट है देखिए ये पूरा सेक्शन, दिस कंप्लीट सेक्शन इज नोन एज व्हाट, दिस इज मिड ब्रेन ये पूरा पोर्शन कहलाता है मिड ब्रेन, राइट। दिस इज मिड ब्रेन एंड इट कंट्रोल्स मेनी मोर एक्टिविटीज, बट इसका कोई फर्दर डिवीजन नहीं है हमारे पास कि मिड ब्रेन फर्दर कहीं पर डिवाइडेड हो ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास लास्ट, दैट इज हिंड ब्रेन। सो दिस लोअर सेक्शन, ये पूरा का पूरा ये लोअर सेक्शन यहां से लेके यहां तक का, दिस लोअर सेक्शन इज नोन एज हिंड ब्रेन अलोंग विथ दिस, ये भी साथ में ठीक है। तो यहां पर हमारा ब्रेन टोटल कितने पार्ट में डिवाइडेड था, तीन पार्ट में, दिस पर्टिकुलर इज नोन एज फोर ब्रेन फ्रंटल लोब ठीक है, दिस इज बैक लोब,
ये बैक लोब है और इसकी अपनी पर्टिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं. दिस सेंटर पार्ट इज नोन एज मिड ब्रेन एंड दिस लोअर सेगमेंट विच इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट. वन इज पॉन्स, सेकेंड वन इज सेरिबेलम. ओवर हियर इट इज सेरिब्रम, दिस इज सेरिबेलम. And the last one is medulla. Medulla is basically the elongation for parts के अलावा हमारे पास brain में दो चीजें और हैं जो बहुत important role को play करती हैं. पहली चीज क्या, this is hypothalamus, ठीक है, यहां पे midbrain से attach होता है. And the second one is elongation of midbrain is basically pituitary gland. तो hypothalamus और pituitary gland. Hypothalamus का काम है secretions को control करना, सीक्रेशंस करना पर्टिकुलर ग्लैंड्स के हमारी बॉडी के अंदर, और वो हाइपोथैलेमस मैसेज भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और उसके बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है द सीक्रेशंस ऑफ ऑल द ग्लैंड्स और ऑफ ऑल द हार्मोन्स इन द बॉडी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. मतलब कि हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड बोथ आर द कोऑर्डिनेटिंग हेड फॉर hormones and for glands in the body. पूरी बॉडी के अंदर ये pituitary gland with the help of hypothalamus control करेगा कि किस समय कौन से hormone कौन सी gland से secret होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, कितना होना चाहिए या फिर कितना नहीं है. तो यानी कि ये हुआ हम लोगों का क्या, पूरा brain का structure. अब हम देखेंगे कि इसका हर एक particular part किस तरीके से पर्टिकुलर फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है एक चार्ट की. हमारे पास यहां पर जो है दैट इज द कंप्लीट डिवीजन ऑफ ब्रेन अलोंग विद इट्स फंक्शन इन अ टेबुलर फॉर्म. सबसे पहले आप इस टेबुलर फॉर्म को देखें, ठीक है. फोर ब्रेन इज पर्टिकुलरली डिवाइडेड इनटू वन पार्ट विच इज नोन एज सेरेब्रम. मिड ब्रेन का कोई डिवीजन नहीं है, सेंटर पार्ट में लाइक करता है, ठीक है. साथ साथ में आपके डायग्राम भी चल रहा है, आप उससे क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं कैसे भी कि भाई कहां कौन सा फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करने का काम कर रहा है, ठीक है. एंड द लास्ट वन इज व्हाट, हिंड ब्रेन. एंड हिंड ब्रेन को हमने डिवाइड किया था पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, ठीक है. चलिए अब हम सबसे पहले चलते हैं सेरिब्रम के अंदर. जो सेरिब्रम है इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंकिंग सेक्टर. दिमाग वाला सारा काम, मेमोरी स्टोर करना, किसी का इंटेलिजेंट होना नहीं होना, ठीक है. इफ समबडी इज मेड दैट इज टोटली ड्यू टू व्हाट, सेरेब्रम. तो यानी कि अगर आप कोई बोलता है आपके पास दिमाग नहीं है तो आप बोलिए दिमाग तो है बट सेरेब्रम नहीं है, राइट. व्हाट यू से नाउ कि सेरेब्रम नहीं है, तो इस सारी एक्टिविटीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल हुआ, ठीक है. राइट, कोई बोलता है हम पागल है, ओके ठीक है, सेरेब्रम नहीं, ठीक है ना, क्या नहीं है, सेरेब्रम नहीं है, राइट. अच्छा, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है. सो इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. नंबर वन, हेल्प्स इन लर्निंग, याद करने में, याद नहीं होता तो सेरेब्रम गड़बड़ है. रीजनिंग, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज वॉट, मेमोरी. अगर किसी भी चीज, अगर हम कोई चीज याद नहीं रख पाते, इट मींस के हमारे बॉडी के अंदर सेरेब्रम का एक पर्टिकुलर पार्ट जहां पर मेमोरी स्टोर होती है वो पार्ट एक्टिव नहीं है, राइट. फॉर एग्जांपल देखिए, पूरा ब्रेन है हमारे पास, ठीक है. पूरे ब्रेन के अंदर सेरेब्रम ऊपर टोटल पूरे फ्रंट लोब में फैल रहा है, ठीक है ना. हमने डायग्राम में दिख रहा है हमें कि पूरा का पूरा सेरेब्रम ऊपर के पूरे फ्रंट लोब में फैल रहा है, ठीक है. अब देखिए, पूरे जब फ्रंट लोब में फैल रहा है यहां पे, ठीक है, तो यहां पे अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं हर चीज के लिए, ठीक है. और पूरे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं हर एक्टिविटी को क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए. तो पर्टिकुलर पार्ट होगा थिंकिंग के लिए, फॉर एग्जांपल यहां पर लोकेट है. पर्टिकुलर पार्ट होगा इंटेलिजेंस के लिए, फॉर एग्जांपल यहां पर लोकेटेड है. तो हर पार्ट ब्रेन के अंदर, सेरेब्रम के अंदर पर्टिकुलर होता है पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए. तो अगर हम लोग चाहें तो हमारे पर्टिकुलर पार्ट को एक्टिव कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि पर्टिकुलर पार्ट वहां है और उसको एक्टिव करने की एक्टिविटी हम लोगों को आनी चाहिए, राइट. तो कोई कोई कहता है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कहता है कि उसके पास मेमोरी इतनी ज्यादा है कि उसको सब याद रहता है. व्हाई सो,
Because that particular person activate that particular part of the cerebrum which controls intelligence, which controls memory storage. That is why they perform very well. Right? Chali. Next one is, it also controls thoughts. I mean, jo thoughts aate hain, jo hum sochte hain. Feelings, sensations, actions and as well as movements. So, abhi hum baithe baithe agar space mein pahunch gaye. This is what? With the help of cerebrum. Jitni bhi feelings hain, achhi, buri, gandhi, kaisi bhi feelings, they all are coordinated by cerebrum. Hum kisi ke liye achha soch rahe, cerebrum kisi ke liye bura bhi soch rahe, it is also a part of cerebrum. Sensations hona, theek hai, goosebumps. Theek hai, right? What? They are all with the help of cerebrum. Right? Store information and experiences. सबसे अच्छी बात मैं पूरे control and coordination में एक example बहुत देता हुआ आया हूँ and it store in my memory, particularly in cerebrum के suppose कीजिए अगर किसी गली में हमारे पीछे कुत्ते पड़े थे पर next time मैं वहाँ जाऊँगा तो क्या होगा गली के कोने पे पहुँचते ही पहले what brain said यहाँ से नहीं जाना last time ऐसा हुआ था these are what information plus experiences. So, particularly cerebrum is controlling that part of the body. And the last one is controls voluntary actions. So, jitne bhi soche samjhe actions hain, jitne bhi activities hain, un sab ko control karne ka kaun kaam kar raha hai? Cerebrum kaam kar raha hai. Theek hai? Next one is midbrain. Midbrain, center part. Right? Center part ke andar sare ke sare reflex movements ko control karna किसके neck के, head के, trunk के, किसके लिए visuals और auditory stimuli, मतलब कि जो हमें दिख रहा है और जो हम सुन रहे हैं, उसके लिए हम जितनी भी चीजें respond करते हैं, वो particularly midbrain. तो यानी कि अभी जो activity मैं कर रहा हूँ और जो आप लोगों के पास जा रही है, that is controlled by particularly midbrain. क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, this is auditory signal. आप लोग देख रहे हैं visual plus auditory, both. तो कौन कंट्रोल करेगा मिडब्रेन कंट्रोल करता तो वी कैन से कि सबसे ज्यादा यूज कर रहा हूं क्योंकि हम दिमाग चलाए ना चलाए सुनते और बोलते सबसे ज्यादा है और देखते सबसे ज्यादा है ठीक है तो व्हाट गांधी जी व्हाट कि हम लोग मिडब्रेन का यूज नहीं करें क्योंकि वो क्या कहते थे ना तो बुरा देखो ना बुरा सुनो और ना बुरा कहो ठीक है तो यानी कि व्हाट एक्चुअली इवॉल्व्स विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई के लिए रिस्पोंड नहीं करना इट मींस midbrain का यूज नहीं कीजिए right next one is movements of eye muscles change in the size of the people and shape ठीक है तो eye muscles का movement because eye muscles are directly connected to brain ठीक है तो जितना भी eye का काम होगा आप सबसे पहले उसका आंसर क्या देंगे midbrain because eye muscles size of the people they all are controlled by midbrain अब लास्ट बचता है हमारे पास क्या हिंड ब्रेन व्हाट इज हिंड ब्रेन द लोअर पार्ट और ये लोअर पार्ट यहां पर कनेक्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड ठीक है यानी कि मिड हिंड ब्रेन का इलोंगेशन इज व्हाट स्पाइनल कॉर्ड ठीक है पोल्स सबसे पहला पार्ट रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना सेकंड वन इज सेरिबेलम दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए सेरिब्रम और सेरिबेलम डिफरेंट है बट दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा एक्टिविटीज यही करते हैं नंबर 1 इज posture of the body and balance body postures ठीक है all of a sudden सामने गड्ढा आ गया कैसे reply करूंगा ठीक है कोई एकदम सामने आ गया how the things changes oh hi like this ठीक है तो हम किस तरीके से body का balance बनाते हैं suddenly और postures को change करते हैं it is controlled by cerebellum helps to make precise and accurate movements while walking dancing etc dancing के steps को remember करना है cerebrum परफॉर्म करना है एक-एक चीज रख के दिस इज व्हाट कंट्रोल बाय सेरिबेलम तो डांसिंग इज टोटली कंट्रोल बाय सेरिबेलम प्लस सेरिब्रम ठीक है राइट लास्ट वन इज व्हाट मैजुला मैजुला इज बेसिकली द इलोंगेशन टू व्हाट स्पाइनल कॉर्ड नंबर 1 ऑल द इनवॉलंटरी एक्शंस जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस है लाइक दिस हाथ अपने आप ऊपर गया दैट इज व्हाट कंट्रोल बाय मैजुला ठीक है कंट्रोलिंग सेंटर फॉर रिफ्लेक्सेस लाइक स्वेलिंग स्नीजिंग कफिंग हार्ट बीटिंग पैरासिटिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स ऑल दीज थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय मैजुला तो दिस इज व्हाट आर कंप्लीट ब्रेन ये हमारा पूरा का पूरा
ब्रेन है. नाउ वी मूव ऑन टू व्हाट, नाउ स्पाइनल कॉर्ड. देखिए हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है एंड दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट स्पाइनल कॉर्ड. यहाँ पे दिस इज ब्रेन और ब्रेन का एलॉन्गेशन मेड्यूला, मेड्यूला से पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड आती है. ठीक है, हमें एक सिलेंड्रिकल शेप की दिख रही है जिससे बहुत सारे वेन्स और नर्व्स वगैरह निकली हुई है दोनों तरफ. तो बेसिकली दिस इज व्हाट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दिस इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अगेन दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. मैसेज यहां से आता है, इसके पास जाता है, ये कोऑर्डिनेट करती है, या तो यहां देगी या फिर यहां देगी. तो बेसिकली दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड विच इज सिलेंड्रिकल इन शेप. बहुत सारे इसके आउटिंग्स हैं जो कि एक्शन परफॉर्म करने का काम करती है पूरी बॉडी के अंदर एक्सेप्ट ब्रेन. ब्रेन का कंट्रोल ब्रेन से चलता है, हेड का कंट्रोल ब्रेन से चलता है, बाकी मैक्सिमम सारे के सारे कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, और वी कैन से ओनली स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, यहां पर इसके चारों तरफ एक आउटर कवरिंग होगी जैसा कि ब्रेन के अंदर थी बोनी स्किल था और उसके अंदर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था मेनिंग्स का. तो सेम चीज यहां पर भी है स्पाइनल कॉर्ड को शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है राइट. अब देखिए हम लोग इसके फंक्शंस देखते हैं और क्या है इसके अबाउट. इट इज सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर, इट बिगन्स इन कंटिन्यूएशन विद मेड्यूला एंड एक्सटेंड अप टू एब्डोमेन, दिस अप टू टिल लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन यहां तक. It acts as a bridge between PNS, peripheral nervous systems and brain. It is also the center for all the activities performed by our body except brain, and it is enclosed in a bony cage with membranes called meninges. And the last one is it consists of 31 pair of networking. इसके पास 31 pairs होते हैं यहाँ पर networking करने के लिए पूरी body के अंदर. This is what the spinal cord is actually. तो यहां पे हमारा खत्म हुआ क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर किया था, इसमें हम लोगों ने CNS किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब इसके बाद हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर करेंगे सबसे पहली चीज तो हमारी क्या, हॉर्मोन्स और इसके कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि हॉर्मोन्स इज अ सेपरेट टॉपिक और काफी लंबा है क्योंकि बहुत सारे हॉर्मोन्स हम लोगों को पढ़ने हैं बॉडी के अंदर. हमने देखा दो ब्रेन के अंदर हैं विच आर द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज और ऑफ ऑल द हॉर्मोन्स इन द बॉडी. ठीक है, दैट विल बी इन सेपरेट वीडियो. और उसके साथ में आप लोगों को मिलेगा टेस्ट पेपर, यानी कि टेस्ट सीरीज का हमारा अगला पेपर. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी. आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड गाइस कीप ऑन शेयरिंग लिटिल स्कॉलर्स. आप भी पढ़िए, औरों को भी पढ़ाइए, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस.